हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, कैसे हम प्रोग्राम में पॉइंटर को यूज़ करेंगे। बट इसमें कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि पॉइंटर अभी क्लियर नहीं हुआ, और मैंने भी थोड़ा सा रिव्यू किया लेक्चर को जाके, तो थोड़ा सा कुछ मतलब ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो गया है। मैं डेटा स्ट्रक्चर वाले सीरीज में ये मान के चल रहा था कि स्टूडेंट्स को जनरली पॉइंटर्स का आइडिया होगा, बट वहाँ पे लोगों का ये कंसर्न है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें मैं पॉइंटर्स को एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में ले लूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को एक बेसिक आइडिया पॉइंटर्स का लग गया है, और हम लोग इस लेक्चर में पॉइंटर अरिथमेटिक देखेंगे कि कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पॉइंटर्स पे एप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं, और क्या है उनका सीन इसमें पॉइंटर्स में। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में और देखते हैं कैसे पॉइंटर में अरिथमेटिक्स किस किन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पॉइंटर सपोर्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक अब पॉइंटर अरिथमेटिक देखने से पहले जरा हमको ये देखना चाहिए कि रिवीजन पर्पस के लिए, पता ही होगा सबको कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे सी प्रोग्रामिंग पढ़ते समय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, माइनस माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलो ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स जो थे इनको हम बोल रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पॉइंटर्स में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्ट करेगा, पॉइंटर अरिथमेटिक जो है किसको किसको सपोर्ट करेगा और किसको किसको नहीं करेगा ये देखना, और जिसको सपोर्ट करेगा उसमें उस ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करेंगे पॉइंटर्स पे तो क्या इसकी मीनिंग होगी, इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो पॉइंटर्स हैं वो केवल दो ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और किसी को सपोर्ट नहीं करते, और एडिशन में ये प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्लूडेड है, इसको सपोर्ट करेगा, प्लस प्लस भी एक तरीके का एडिशन ही है उसमें वैल्यू एड का, और सब्सट्रैक्शन में माइनस माइनस इंक्लूडेड है। ठीक है ना, और लिखने से बेटर रहेगा इंक्लूडेड लिख दें हम। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक है ये सपोर्ट करेगा एडिशन को, प्लस प्लस ऑपरेटर को भी, सब्सट्रैक्शन को, माइनस माइनस ऑपरेटर को भी, और किसी भी ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हम लोग आप भी आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले कैसे सपोर्ट करेगा और क्या चीज़ें होंगी ये देखने के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि जरा ये एक मेमोरी मैं बना रहा हूँ। सपोज करिए कि ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है, और हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हम स्टोर कराने वाले हैं वो सारी इंटीजर टाइप की है, और उसी हिसाब से हम मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। सपोज करिए 100 लोकेशन है, ये 102 है, ये 104 है, ये 106 है, ये 108, 110, 112, ये हमारे मेमोरी का कोई पोर्शन है। मेमोरी और भी बड़ी होगी कहीं से, कुछ बीच में हमने ये एक पोर्शन ले लिया। कुछ हम पॉइंटर्स ले ले रहे हैं जो किसी किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंटर ले लिया हमने P1 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंटर ले लिया हमने P2 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंटर हमने ले लिया P3 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी अगर बीच में रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐसे ले लेंगे। फिलहाल इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। तो अब पॉइंटर्स में एडिशन का क्या मतलब है, जैसे सपोज करिए कि ये जो P1 है अभी 100 एंड सारी वैल्यूज हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि इंटीजर टाइप की हैं, आप कोई भी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, समझने के लिए है बस, कॉन्सेप्ट के लिए। और सारे इंटीजर 2 बाइट्स ले रहे हैं, एक तो इंटीजर टाइप एंड ऑल इंटीजर्स टेकिंग 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, ये हम मान के चल रहे हैं अभी। तो जैसे अगर हम कभी ऐसा करना चाहें कि P1 है P1++, तो क्या आएगी वैल्यू, जैसे अगर P1 की अभी वैल्यू तो 100 है, यहाँ से दिख रहा है P1 की वैल्यू 100 है, तो जो नॉर्मल हमारा अरिथमेटिक होता है जैसे a इक्वल्स टू, अगर a कोई सिंपल वेरिएबल है
और a इक्वल्स टू कहीं पे है 2, तो a प्लस प्लस की वैल्यू जो आती है, a प्लस प्लस की वैल्यू जो होती है वो 1 उसमें इंक्रीज हो जाता है, 3 होती है जनरली। बट यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक में जो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है ये इंक्रीज करता है वैल्यू, बट उसके बेस टाइप से इंक्रीज करता है, 1, 2 से नहीं करता। जैसे बेस टाइप का मतलब ये है कि यहाँ हमने लिया है इंटीजर और इंटीजर की साइज हमने बताई है 2 bytes, तो इंटीजर की साइज 2 byte है, तो जब भी आप किसी पॉइंटर में प्लस प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे या प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट एड्रेस इन द सीक्वेंस या नेक्स्ट इंटीजर का एड्रेस जो भी होगा सीक्वेंस में। तो यहाँ पे जैसे 100 के बाद नेक्स्ट 100 का नेक्स्ट है 102, तो यहाँ पे P1 प्लस प्लस की जो वैल्यू होगी वो 101 ना होके 102 होगी। इसी तरीके से और आप किसी का कभी आप पॉइंटर में प्लस प्लस करेंगे तो वो उसके बेस से बढ़ाता है। अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता, यहाँ पे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता P1 P2 P3, तो 1 से वैल्यू बढ़ती, 1 byte में कैरेक्टर स्टोर होता है। उसी तरीके से अगर ये फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो 4 byte में बढ़ती, P1 प्लस प्लस जब हम करते तो 104 को रिप्रेजेंट करने लगता वो। तो यानी कि अब इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि 1 से बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप अगर सब्सट्रैक्शन करें या माइनस माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करें, जैसे सपोज करिए आप P2 माइनस माइनस कर रहे हैं, तो सेम मेथड से P2 की वैल्यू अभी 104 है तो कितना आना चाहिए, 102 आना चाहिए। ये इस तरीके से होता है। आप अगर कभी जैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप अभी P2 यहाँ पे है, फिर से वापस इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया हमने, उसके बाद वापस P2 को यहाँ पे सेट किया। सपोज करिए P2 104 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P2 104 को, और P3 जो है 112 को, 112 को P3 रिप्रेजेंट कर। तो अगर हम कभी ऐसा निकाल दें कि P3 माइनस P2 ऐसा करने लगें तो क्या होगा, P3 माइनस P2 का क्या होगा। जब भी आप ऐसा करते हैं कि 2 pointers को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बीच में जितने भी एड्रेसेस होते हैं, जितने भी वैल्यूज होती हैं वो रिटर्न करता है। जैसे आप 112 में से 104 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बट 2 byte में एक एक इंटीजर स्टोर होता है। आप इसको ऐसा समझिए कि 112 माइनस 104 यही होना चाहिए और ये आना चाहिए 8। तो यहाँ पे ये 8 आंसर जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, इस क्वांटिटी को आप अगर प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आंसर 8 ना होके आंसर आएगा 4। 4 इसलिए आएगा क्योंकि इस बीच में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार, इसको पहले इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4 जो भी चार इंटीजर यहाँ से लेके वहाँ तक, चार इंटीजर या चार इस टाइप की वैल्यूज बीच में स्टोर हैं, तो इस तरीके से आंसर आएगा 4। यानी कि आप अगर 2 pointers को कभी सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो आंसर होता है वो उस टाइप के कितने वैल्यूज बीच में है उसको रिटर्न करता है। अगर आपको जैसे अभी इसमें कन्फ्यूजन है कुछ, तो हम जैसे अगर मान लीजिए फ्लोट, अगर आप फ्लोट ले लेते, ये वैल्यूज फ्लोट को अगर रिप्रेजेंट करें, फ्लोट को रिप्रेजेंट करें तो 4 4 bytes में, तो इस कंडीशन में आपको क्या रिटर्न, क्या वैल्यू रिटर्न करेगी, जैसे 104 और 112 तो थोड़ा इनवैलिड रिजल्ट आएगा कि बिकॉज फ्लोट है तो नहीं, ठीक है 8 byte है तो ये रिटर्न करेगा 2। 8 bytes में कितने फ्लोट स्टोर हो सकते हैं, 2 float स्टोर हो सकते हैं, तो ये आंसर रिटर्न करेगा 2। तो इस तरीके से जब आप पॉइंटर का सब्सट्रैक्शन करते हो तो आता है जो आपके पास वो कितने उस पर्टिकुलर टाइप के, उन दोनों एड्रेसेस के बीच में कितने उस पर्टिकुलर टाइप के वैल्यूज स्टोर हैं, इसको वो रिटर्न करता है। चलिए ये तो हो गया। अब अगर आप कभी ये करना चाहें कि हमने बोला एडिशन को सपोर्ट करता है, अगर अब हम कभी ये बोलना चाहें कि 2 कोई पॉइंटर्स हैं, एक P1 है और एक P2 है सपोज करिए, अगर हम P1 प्लस P2 निकालें और क्या वैल्यू आएगी, अगर ऐसा आप करना चाहें तो प्रोग्राम में जब आप ऐसा करना चाहेंगे तो ये बोलता है कि इनवैलिड पॉइंटर एडिशन। इसका क्या मीनिंग है इनवैलिड पॉइंटर एडिशन का, एक्चुअली पॉइंटर्स किसी के एड्रेस को स्टोर करते हैं, किसी के एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में हर लोकेशन एक एड्रेस होती है।
आप इस तरीके से ऐड और सब्सट्रैक्ट करके और एड्रेसेस पे ना पहुंच जाएं किसी ऐसे एड्रेस पे जिस जो आपका अनएक्सेसिबल है। इसलिए इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि किसी दूसरे सेगमेंट का एड्रेस रिटर्न कर सकते हैं, इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं ये पॉइंटर में इनवैलिड होते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं पॉइंटर इनको। एडिशन ऑपरेशन को पॉइंटर सपोर्ट करता है, फिर भी आप दो पॉइंटर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं भले आप पॉइंटर में स्टोर कराएं। जैसे सपोज करिए आपने तीन इंटीजर पॉइंटर ही लिया, इंटीजर पॉइंटर P1, पॉइंटर P2, पॉइंटर P3, तीनों इंटीजर टाइप के ही पॉइंटर लिए, फिर भी आप P3 इक्वल्स टू P1 प्लस P2 नहीं कर सकते हैं। ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है बिकॉज ये किसी ऐसे एड्रेस को भी कभी रिटर्न कर सकता है जो आपका इनएक्सेसिबल लोकेशन पे है। इसलिए इस तरीके के एडिशन ऑपरेशन हमारे सपोर्ट नहीं करते पॉइंटर में। आप एडिशन में प्लस प्लस कर सकते हो, पी वन प्लस प्लस कर सकते हो, आप पी वन प्लस वन कर सकते हो, इस तरीके की चीजें कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन में आप पी वन माइनस माइनस कर सकते हो, पी वन माइनस पी टू कर सकते हो, इस तरीके की चीजें कर सकते हो, बट एडिशन में आप दो पॉइंटर को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। अब अगर और भी ऑपरेशंस, पहले ही मैं बता चुका हूं कि और सारे ऑपरेशंस को पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है, तो यानी कि आप कोई भी दो पॉइंटर हैं P1 और P2, तो अगर आप इन दोनों पॉइंटर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो ये आपके कंट्रोल लिख देगा प्रोग्राम में, अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो, कि इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। अगर आप ऐसा करेंगे तो लिख के आएगा इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर्स, मतलब कि पॉइंटर ये लीगल नहीं है इस तरीके से पॉइंटर को यूज करना। उसी तरीके से आप दो पॉइंटर को डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, दो पॉइंटर का मॉडुलो ऑपरेशन भी नहीं निकाल सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही पॉइंटर सपोर्ट करते हैं, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी केवल पी वन, आप किसी पॉइंटर में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी पॉइंटर में। जैसे सपोज करिए पी वन प्लस एट करना है आपको, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट आप दो पॉइंटर को ऐड नहीं कर सकते हैं कभी भी। इस टाइप की चीजें हैं पॉइंटर अरिथमेटिक में। अब जरा मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं और आप लोग जरा इस प्रोग्राम का आउटपुट बताएंगे कि क्या होगा इस प्रोग्राम का आउटपुट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ये इस पे बेस्ड होगा, इसीलिए ऐसा मैं, और ये प्रोग्राम जो है ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, तो क्या वैल्यू स्वैप होगी कि नहीं। सपोज करिए मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, जैसे हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा void swap और दो इंटीजर वैल्यूज इसमें हम देंगे तभी स्वैप होगा। एक सपोज करिए एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है, ये दो वैल्यूज हम लेके जाते हैं। एक हम यहाँ पे इंटीजर t डिक्लेयर कर लेते हैं और हम ऐसा करते हैं t इक्वल्स टू, जैसे सिंपल स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है, t equals to a, a equals to b and b equals to t, इस तरीके से। और हम यहाँ पे main declare कर लेते हैं, void main। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर आप function को call करने से पहले function को define कर लेते हैं तो function का prototype देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम जरा यहाँ पे values declare कर ले, suppose करिए integer a equals to 2, b equals to 4, ये है, और हमने इस swap function को call किया, swap a comma b, और इसके बाद मैं value print करा ले रहा हूँ, printf %d comma a comma b। अब क्या होगा, कैसे ये program run करेगा? सबसे पहले आप control जो है वो मेन पे आएगा, मेन में जाएगा, ए में 2 है, बी में 4 है, जैसे ही आप उसको यहाँ से किए कॉल हुआ, ए में 2, बी में 4, यहाँ आए आप, इसको वैल्यू रिसीव हुई, यहाँ पे 2 वैल्यू रिसीव हुई और इसको 4 वैल्यू रिसीव हुई, इस तरीके से। अब जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे टी में चला जाएगा, टी में हो जाएगा 2, इस लाइन का मतलब है कि ए में हो गया 4 और इस लाइन का मतलब है कि बी में हो गया 2, यानी कि इस पूरे यहाँ पे जो भी लिखा है इसके हिसाब से a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आप आएंगे तो क्या आंसर प्रिंट करेगा।
अब आपको यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पे आंसर क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, कि ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 4 क्या कैसे इस तरीके से करेगा, ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फंक्शन कैसे कॉल होते हैं सी में, कितने तरीके से, कितने कॉलिंग के मेथड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग।